अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टेक टीवी और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मिस्टर नोमान चौधरी जो कि नेवकोर के सीईओ हैं और कुछ अपने बारे में कुछ शेयर करें नोमान भाई। हाँ, मैं एक अदना सा आदमी हूँ मजाक कर रहा हूँ। सो रियलिटी ये है कि बेसिकली राइट नाउ मैं नेवकोर टेक्नोलॉजीज इंटरनेशनल उसका सीईओ का रोल अदा कर रहा हूँ और मेजर पार्ट इसके अलावा हमारा एक लोदाम एक प्रोजेक्ट है जो कि ई कॉमर्स रिलेटेड है और ई कॉमर्स एंड द कम्बिनेशन ऑफ रियल बिजनेस एज वेल टुगेदर, तो इन दोनों को हेड कर रहा हूँ। पाकिस्तान में मैक्सिमम मेरा फाइनेंशियल मार्केट्स के साथ ज़्यादा भी ताल्लुक रहा है साथ, और अगर देखा जाए तो मल्टीपल कम्बिनेशन ऑफ लाइक रिलेटेड टू द इन्वेस्टमेंट। सो ऐसा टेक्नोलॉजी एंड द इन्वेस्टमेंट्स टुगेदर मैंने स्टार्ट ऐसे किया कि सभी लोग जिस तरीके से काम कर रहे होते हैं हम भी इसी तरीके से स्ट्रगलर एक आम इंसान की तरह मेहनत करते 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 ठीक है, और वालदेन कहते थे कि ये लैपटॉप से बाहर निकलो और कुछ रियलिटी की तरफ जाओ, एंड वक्त के साथ साथ बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई जो इम्प्रूव होती गई। आई हैड अ वेरी बैड टाइम इन 2013 एज वेल। 2013 में लाइक क्योंकि मैं शुरू से ही इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश में इंडिपेंडेंट बनने की एक लाइफ जो मैं या एक ऐसी लाइफ गुजारता रहा हूँ, मुझे लगे कि मुझे अपने आप को खुद फीड करना है या खुद ही उस हिसाब से इट्स अ वेरी गुड थिंग एज वेल। टुडे आई एम फीलिंग कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, बल्कि मैं प्रेफर करता हूँ। एंड उस दौरान में मतलब हमने एक बड़ा बैड टाइम को गुजारा, एंड देन आई मूव टू द बेसिकली दुबई। दुबई में एक छोटी सी जॉब से स्टार्ट किया, एक छोटी सी कंपनी में छोटी सी जॉब, एंड वो जॉब एक बहुत लाइक लकी भी साबित हुई क्योंकि वहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिला, एक आम इंसान की तरह एक डाउन लेवल से सीखने को मिला। ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें आपको एक छोटी छोटी चीज़ें सिखा जाती हैं आपको, एंड देन क्योंकि आपकी कामयाबी आपकी नंबर्स मैटर करते हैं हमेशा आपकी कामयाबी में, सो मेरे नंबर्स ने एक नाम दिया मुझे उस कंपनी में, और एंड विद इन अ सिक्स टू एट मंथ आई वॉज अ सेल्स मैनेजर देयर। देन आई ज्वाइंड अल फतेम टेक्नोलॉजीज, बेसिकली अल फतेम ग्रुप बेसिकली यूएई का सबसे बड़ा ग्रुप है। दे आर मैनेजिंग 225 प्लस ब्रांड्स, एंड आई वॉज वर्किंग एज अ प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मैनेजर एज वेल। एंड फिर 2016 एंड अपना काम स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह लाइक मेरी कंपनी इस वक्त लाइक हम लोग इस वक्त जो एज अ काम कर रहे हैं अप्रोक्सीमेटली 62 पीपल जनाब एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हम लोग प्रॉपरली काम कर रहे हैं, और टुडे वी आर वर्किंग फॉर द पाकिस्तान इकोनॉमी एज वेल। सो ब्रॉट अप्रोक्सीमेटली $30 million एज अ टोटल रेवेन्यू इन पाकिस्तान इन लास्ट 2 years अप्रोक्सीमेटली, and that's all like written form in the written form basically. Oh, that's great, mashallah. I was reading your profile and I saw your profile ki you are the youngest Pakistani jo ki ab tak Pakistan mein matlab millions of millions ki investment startups mein and business mein aap kar chuke hain. So as an investor aap kya dekhte hain ki Pakistan mein startup culture mein industry ke andar kya kami hai isi? Dekhiye first of all ki जो ज़ीरो से बने होते हैं लोग उनको पता होता है कि इस पे प्रॉब्लम्स क्या हैं या कहाँ पर मसले असल आ रहे हैं जिनको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर मेरी रहेगी बात इन्वेस्टमेंट की तो मेरी इन्वेस्टमेंट में कहीं पे भी कुछ ऐसा नहीं है कि जहाँ पर हम अभी तक लॉस में गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एंड द प्रॉब्लम जो कि मैं ओवरऑल मार्केट में देखता हूँ, बहुत से आइडियाज़ आते हैं, बहुत से आइडियाज़ लेकर आ जाते हैं लोग, और उनको जब ऑब्जर्व किया जाता है तो उसके अंदर आइडिया तो है, सोसाइटी के लिए कुछ करना भी चाहते हैं, कुछ मतलब लाइक मुल्क के लिए भी करना चाहते हैं, एक नेशनलिज्म भी उनके अंदर है, एक मतलब कुछ क्रिएटिविटी भी है, लेकिन उसकी फिजिबिलिटी प्रॉपर नहीं है। एक इन्वेस्टर को सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए होता है कि उसको चाहिए कि भाई मेरे नंबर्स कैसे हैं और आपके नंबर्स कैसे हैं, मुझे क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। मैं इतने लगा रहा हूं तो मुझे हाँ सिंपल वर्ड्स में अगर हम एक आम लफ्जों में बात करें ना, तो भाई मैं इतने लगा रहा हूँ, अगर मैंने 2 लगाए हैं तो मुझे 4 कैसे बनेंगे, एंड दैट्स अ वेरी क्लियर आंसर। आजकल के स्टार्टअप्स को एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि वो इन चीज़ों से लाइक इंट्रोड्यूस नहीं है, वो समझते हैं कि हमारा आइडिया पूरी दुनिया को चेंज कर सकता है,
तो याद रखिएगा आइडिया के साथ साथ आपको एक बिजनेस माइंडेड भी होना पड़ेगा। आई विल प्रेफर कि जितने भी लोग हैं वो या जितने भी न्यू स्टार्टअप्स हैं वो इन चीज़ों पे करें कि रिस्क एवेल्यूएशन कितनी है, कहाँ पर कितना लॉस आएगा और कहाँ पर कितना प्रॉफिट आएगा और कब वी कैन एक्सपेक्ट द प्रॉफिट एज वेल। सीधे सादे अल्फाज में क्रिप्टो करेंसी है क्या और पाकिस्तान में आप क्या ओवरऑल देखते हैं कि लेट्स से पाकिस्तान में इसका फ्यूचर क्या है क्रिप्टो करेंसी। देखें अगर रियलिटी की बात करें तो मेरी प्रोफाइल के साथ क्रिप्टो नहीं ज़्यादा जुड़ी हुई, ब्लॉकचेन इंडस्ट्री ज़्यादा जुड़ी हुई है। ओके हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो दैट्स अ सेपरेट केस। एज अ क्रिप्टो इंडस्ट्री जिसको एज अ इन्वेस्टमेंट पार्ट कोई भी कर सकता है, इट्स नॉट अ इलीगल एज वेल। मतलब अगर देखा जाए किसी का भी कोई अपना एक अपना प्रोस्पेक्ट्स हैं, गवर्नमेंट के एक अपने वेज हैं, वो अपने हिसाब से एक पॉलिसीज बनाते हैं सम टाइम लाइक पहले इनिशियल स्टेजेस में बिल्कुल सब सही था एंड आजकल के लॉ के मुताबिक वो सही नहीं है, सो वी हैव टू अवॉइड एज वेल। लेकिन पाकिस्तान जिस मुल्क में रह रहे हो आप उस मुल्क के कानून को अपने जाना फॉलो करना, उसको समझना पड़ेगा। तो राइट नो लाइक रिसेंटली विद इन अ फ्यू लाइक अप्रॉक्सीमेटली बल्कि 2 वीक्स पहले की बात है कि एक न्यू लॉ आया जिसमें इन चीज़ को इलीगल किया प्रॉपरली। सो आई विल नेवर रिकमेंड एज अ क्रिप्टो करेंसीज के वो आप उनमें इन्वेस्टमेंट्स करो प्रॉपरली। लेकिन अगर हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात करें तो दैट्स अ सेपरेट थिंग, इट्स अ रेवोल्यूशन, इट्स अ न्यू एरा ऑफ द टेक्नोलॉजी, इट्स अ न्यू एरा ऑफ द वर्ल्ड। जैसे इससे पहले का भी जो दौर चल रहा था वो क्लाउड कंप्यूटिंग का चल रहा है, अभी क्लाउड कंप्यूटिंग एंड देन ब्लॉकचेन एंड देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वक्त के साथ साथ ज़माना बदल जाता है। ये ज़माना वो नहीं है कि जिसमें अगर 1990s की बात करें तो ईमेल का ज़माना नया नया आया तो वो क्रेज़ है, आज वो कॉमन हो चुका है। सो ब्लॉकचेन इज़ लाइक, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊँ तो ये एक डिसेंट्रलाइज वे है किसी भी चीज़ को डिवाइड करके आप प्रॉपरली उसको मल्टीपल नोड्स के ऊपर, मल्टीपल सर्वर्स के ऊपर या मल्टीपल लोगों के ऊपर डिवाइड कर दो उसकी पूरी कैपेसिटीज़ को। मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि ये इंटरव्यू बहुत से लोग ऐसे भी देख सकते हैं जो एक नॉर्मल जो इस इंडस्ट्री से नहीं है, नया चीज़ होगी वो बिल्कुल इस पर रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि सिंपल वर्ड्स में आप किसी स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, ठीक है? ये सिंपल वर्ड्स में अगर बात करें, याद रखिएगा क्रिप्टोकरेंसी ब्लॉकचेन से निकली है, ब्लॉकचेन क्रिप्टोकरेंसी से नहीं निकली, ठीक है? तो ये फंडामेंटल हमें टेक्नोलॉजी को समझाना होगा और टेक्नोलॉजी कोई बुरी बात नहीं है, हम वरना हम भी नोकिया की तरह पीछे रह जाएंगे। हाँ, उसने एंड्रॉयड को रिजेक्ट किया था तो आज एंड्रॉयड उसकी मजबूरी है। टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है, टेक्नोलॉजी का जो स्पैम है वो बिल्कुल, उसका यूज़ कैसे कर रहे हो आप, उसका यूज़ आया राइट वे में, जहाँ गलत वे में होगा वहाँ गलत होगा, वो इलीगल, ठीक है? इलीगल बहुत से कंट्रीज़ में पेपल चलता है, बहुत से कंट्रीज़ में स्क्रिल चलता है, ठीक है? यूज़ हो रही है एंड इट्स नॉट लाइक अगर लीगल नहीं है तो इलीगल भी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में क्यों? क्योंकि हम लोग नेगेटिविटी को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, हम लोग नेगेटिव पॉइंट्स को ज़्यादा कैश करेंगे और उसमें से स्कैमी थिंग्स निकलेंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट्स की पॉलिसीज बिल्कुल सही हैं अपनी जगह पर, लेकिन एज अ टेक्नोलॉजी आई विल रिक्वेस्ट एज वेल, अगर कोई देख रहा है कि प्लीज़ इस चीज़ को एज अ टेक्नोलॉजी ज़रूर इम्प्रूव करें। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इसके अंदर बकायदा होने चाहिए, सेमिनार्स होने चाहिए, इवेंट्स होने चाहिए और इसके अलावा इसके कोर्स में ऐड किया जाए बेशक, ठीक है? लेकिन एज अ टेक्नोलॉजी पार्ट इसको ज़रूर रखा जाए। So some lines and some motivation quotes about our viewers, about our youth. जो आपको फॉलो करते हैं, जो टीवी को फॉलो करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसी थिंग जो अपने स्टार्टअप में अपने एज एन एंटरप्रेन्योर एज एन इन्वेस्टर जो आप अपने करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो देखिए मैं जो समझता हूं वो ये समझता हूं कि आपका पहला स्टेप वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने टेक टीवी जब स्टार्ट किया तो उसमें ये इम्पोर्टेंट नहीं था कि आपने कैमरे कौन से लिए, अपने स्टूडियो कहाँ बनाया, कैसा बनाया, आपने हर चीज़ कैसे कैसे मैनेज की। असली चीज़ थी कि आपने वो जो पहली वीडियो बनाई वो कैसे बनाई, आपका पहला स्टेप कैसे था, उस स्टेप को कैसे आपने मूव ऑन किया एंड देन फर्दर बढ़ते बढ़ते आज आप यहाँ पर हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं। सो आई एम वेरी लाइक, मुझे आज अभी जितना ये सेटअप देख रहा हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि कल को हम एक बहुत बड़े बड़े इवेंट्स को जना आप कवर कर रहे होंगे और मल्टीपल लाइक सेटअप्स के साथ। होता क्या है कि आपका जो पहला स्टेप है वो बहुत इम्पोर्टेंट है।
हम समझते हैं कि हमें आते जाएं और हमें कामयाबी मिल जाए, हमें ऐसा नहीं होगा। हमें फ्री में काम करना पड़ेगा, हमें मेहनत करनी पड़ेगी। हमें ये नहीं करना कि हमें आए और मुझे हमें सैलरियाँ मिलना शुरू हो जाए या हमें प्रॉफिट्स मिलना शुरू हो जाए या मेरा स्टार्टअप कामयाब हो जाए। भाई नहीं, आपको 20-20 लोग ऐसे भी हैं जो 20-20 तजर्बे करके आ गए तब जाके 21वां जो है वो स्टार्टअप कामयाब हुआ। कोई भी मैच 0 से स्टार्ट होता है, 100 से स्टार्ट नहीं होता। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक योर स्टेप, यू हैव टू टेक योर फर्स्ट स्टेप एंड दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आप पहला स्टेप ले लेंगे तो दूसरे स्टेप के लिए आपको दूसरा मौका मिलेगा, हो सकता है उसमें कुछ टाइम लग जाए। दैट्स वेरी गुड थिंग कि अगर आप पहला ही स्टेप नहीं ले रहे सो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको दूसरा स्टेप भी मिलेगा। बिल्कुल, ये रियलिटी है। क्योंकि देखिए एक चीज़, हम लोग भाग रहे हैं पैसे के लिए। मैं, आप, हम सब लोग भाग रहे हैं पैसे के लिए, लेकिन हम स्किल्स के ऊपर नहीं भाग रहे। हम अपने माइंड को, अपनी सोच को, अपने एक जो साइकोलॉजी को बदलने के लिए नहीं भाग रहे। मतलब वो कहते हैं ना, शो मी योर फ्रेंड्स आई विल शो यू योर फ्यूचर। हम उन लोगों में बैठना हमें चाहिए, हम उन लोगों के साथ उनसे सीखना चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट करना पड़े हमें कुछ भी काम। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो पोस्ट की थी टेक टीवी पे, फेलियर इज अ फर्स्ट स्टेप। मेरी अपनी लाइफ में अगर बात करूँ, ये आपका बिल्कुल मैं एक, तो इट्स नॉट लाइक फर्स्ट स्टेप कि मैं फर्स्ट स्टेप में कामयाब हूँ। सो आई डिड लाइक, मेरे सोशल मीडिया के ऊपर भी मैंने ऑलरेडी पोस्टेड, मेरी स्टोरी में भी है। सो इवन आई हैड अ सुसाइडल थॉट्स एज वेल। एक ऐसा वक्त भी आया कि जिसमें हम इस लेवल पे मैं सोचना शुरू कर दिया था। मैंने इससे पहले 16 के करीब वेबसाइट्स या कंपनीज बनाई जो लाइक एक स्पेसिफिक ऑनलाइन रही सिर्फ, और जिसमें हमने काम करने की कोशिश की लेकिन नाकाम हुए। कुछ नए आइडियाज़ थे, नए स्टार्टअप्स थे एंड कुछ ऐसा, ये बिल्कुल लाइक हमने लाइक मेरी स्टोरी में भी है मौजूद हर जगह। वो जो 15-16 हमने किए वो नाकाम हुए तो 17वीं कामयाब हुई। ठीक है, वो 17वां स्टेप तब कामयाब हुआ है। मुझे याद है कि मैं दुबई में भी लाइक मैं जॉब कर रहा होता था, और जॉब से जब आना और मैंने एक बिज़नेस फिजिबिलिटी एंड बिज़नेस आइडिया लेके पूरी एक फाइल उठाना, और मैं नए नए इन्वेस्टर्स की तरफ भाग रहा होता। इसलिए नहीं कि मुझे बिज़नेस करना था, इसलिए कि यार वो मेरी गलतियाँ निकालेगा। मैं जब अपना प्लान सामने रखूँगा तो अगला बंदा मेरी गलतियाँ निकाले ताकि मैं राइट चीज़ तैयार कर सकूँ। सही, तो आज हम उन्हीं चीज़ों को, आज वो जो पहले आइडियाज़ थे उन्हीं को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा वो जो राइट तरीके से उसको बदल के, जो एक्सपीरियंस के साथ साथ आता है। और लास्टली फ्यू वर्ड्स अबाउट दैट पाकिस्तान टेक। ऑनेस्टली आई एम रियली अमेज्ड आप सबका काम देख के, आप सबकी जो एक इनिशिएटिव है। राइट नो अगर देखा जाए तो एक पाकिस्तान को या हमारी यूथ को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सिर्फ इस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं जो टेक्नोलॉजी कंपनीज एंड लोग जो मेंटोर्स हैं उनको सामने लेकर आए और लोगों को मोटिवेट करें, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अनबॉक्सिंग कर रहे होंगे, मुख्तलिफ आर्टिकल्स को या मुख्तलिफ चीज़ों को भी डिस्कस कर रहे होंगे, लेकिन दैट्स समथिंग डिफरेंट। मतलब टेक टीवी की मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी वो ये कि आप कुछ नया कर रहे हो। ठीक है, एंड आई एम वेरी होपफुल कि इंशाल्लाह विद इन लाइक ईयर एवरी डे विल बी लाइक वेरी अमेजिंग डे फॉर यू। और आज अगर स्टार्ट किया तो यही अगेन वाली बात कि आपका अगर सब्सक्राइबर्स की बात करें तो 0 से आपने स्टार्ट किया और आज बढ़ते बढ़ते अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है। तो आगे बढ़ते बढ़ते इंशाल्लाह एक टाइम आएगा कि एवरी डे विल बी द सेम, जैसे आपने पूरे एक महीने की मेहनत होगी वो एक दिन में मेहनत हो रही होगी। सो मेरी बहुत ज़्यादा बेस्ट विशेज हैं टेक पाकिस्तान के लिए भी, एंड मैं चाहूँगा कि आप सब सब्सक्राइब भी करें इनको एंड रियली ज़रूरी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ओके।